When you already have scooters like Ether 50X, Ether, Apex, Ola S1 Pro, 100 others, तो फिर इस स्कूटर की जगह कहाँ बंदी है This is the Ultra Violet Tesseract. Jaipur जयपुर में आज इसे मिल किया गया है भारत में मील ऑलरेडी एक दो महीने पहले हुआ था और उसके बाद में bookings बहुत सारी आ गई हैं. Excitement क्रिएट किया है वो एक जनता जो है ना वो जो एकदम यंगस्टर जो जनता है जिनको एक्साइटिंग दिखने वाला स्कूटर भी चाहिए अलोंग विद द परफॉर्मेंस उनको टारगेट करके ये स्कूटर लाने की कोशिश की है हालांकि ये अभी कॉन्सेप्ट फॉर्म में है प्रोडक्शन रेडी नहीं है तो बहुत सारी चीजें इसकी फंक्शनल नहीं है बट बहुत सारी चीजें ऑन पेपर काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है कुछ कुछ क्वेश्चन भी है मेरे जिनके बारे में आज हम बात करेंगे नमस्कार दिव्य खमगणित मेरा नाम है विकास योगी आप देख रहे हैं ऑटो योगी और आज बात अल्ट्रा बायलेट टेस्लैक्ट की होगी All right, so the first things first, the platform. It's a scalable platform. In fact, एक नहीं, दो नए electric two-wheelers ये लोग लेकर आए हैं. One is the scooter, which looks bulky, which looks massive. Youngsters को appeal करना है, तो वो bulk भी चाहिए होता है. Uh, not necessarily कि आप shrink scooter बनाओ. जैसे हमने Ether जनरली देखे, तो Ether जनरली थोड़ा छोटा लगता है वहीं पे. Allaswin पुरोगी popularity का एक बहुत बड़ा reason है कि उसमें थोड़ा सा bulk है. This is even bulkier, thanks to the new platform. फोर्टीन इंच का फ्रंट टायर है फोर्टीन इंच का रियर टायर है बाय द वे जो अलॉय व्हील्स का डिजाइन है मोस्ट लाइकली प्रोडक्शन रेडी वर्जन में हो सकता है कि ऐसा ना हो बट बिग इनफ डिस्क ब्रेक आपको दिया गया है सस्पेंशन ऑफ ऑफ दैट दैट यू एक्सपेक्ट मेन जो फोकस पे किया गया है तो डिजाइन जो है वो काफी शार्प कट्स क्रीजेस और टिपिकली जो आपने अल्ट्रा वायल की जितनी भी डिजाइन देखी उसमें बहुत सारे कट्स होते हैं कई सारी चीजें हिडन होती हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी आपको कोई भी बोल्ट कोई भी नट नजर नहीं आएगा जो कि एफ सेवेंटी सेवन मार्क टू में भी हमने देखा है बिल्कुल एकदम कंसील्ड सॉर्ट ऑफ डिजाइन है बड़े पैनल यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं फुल एलईडी ट्रीटमेंट एलईडी डी आर एल्स ऑल ऑफ दैट इज गिवन बट द क्वेश्चन इज कि इन्होंने बोला कि वर्ल्ड का पहला स्कूटर है जो कि रेडार मॉड्यूल्स के साथ में आता है फ्रंट में भी रेडार मॉड्यूल है रियर में भी रेडार मॉड्यूल है फिर उसके बाद में डैश कैम दिया गया है फ्रंट में भी और रियर में भी और एक प्राइस उन्होंने बताई थी कि इंट्रोडक्टरी प्राइस जो है वो एक लाख बीस हजार रुपए होगी अब एक लाख बीस हजार जो प्राइस आपको बताई थी वो एक्चुअली इस स्कूटर की तो नहीं होगी जो इतनी सारी फीचर्स के साथ में आ रहा है वो इसका एंट्री लेवल वेरियंट होगा जो कि विदाउट रेडार्स विदाउट ऑल दीज फैंसी फीचर्स आपके लिए आएगा एंड आई थिंक आई एम ओके विद दैट टू बी ऑनेस्ट क्योंकि रेडार की अगर आप चीज भी बात करोगे तो रेडार आपको बहुत सारे इंडिकेशन देता है या कई कई अलर्ट्स आपको देता है तो जब आप टू व्हीलर चला रहे हो टू मी दैट कुड बी अ बल बिट ऑफ डिस्ट्रैक्शन अगर डिफरेंट डिफरेंट आवाजें आ रही है सो अ बेसिक स्कूटर दैट लुक्स रेड आर मे नॉट हैव द डैश कैम बट ऑफर्स मी द परफॉर्मेंस जो कि टॉप एंड वेरियंट के आसपास हो आई थिंक आल बी ओके विद विद दैट विदीज कांड ऑफ फीचर्स आई थिंक प्राइस जो है वो आपकी इजिली दो लाख के ऊपर तो जाएगी जाएगी इफ दे कैन प्रॉबली ऑफर इट एट अ मच लोअर प्राइस नथिंग लाइक इट बट हा दिस इज द होल सैरियो तो तीन बैटरी पैक्स आपके पास में थ्री पॉइंट फाइव किलोटर बैटरी पैक आई थिंकोटर बैटरी पैकोटर बैटरी पैक जो एक्ट होगा मैं यहाँ पे क्लियर मेंगैन जो आपने रेंज सुनी है ऑफर करेगा दैट टू सिक्सटी किलोमीटर आपको ऑफर तभी होगी जब आप सिक्स किलोवीटर वाला बैटरी पैक ऑप्ट करते हो uh, उसकी प्राइस कितनी है आयरन नो एक लाख बीस हजार या एक लाख पैंतालीस हजार जो प्राइस है वो बेस वेरियंट की है लाइक ए सेड और उसके साथ में आपको रियलिस्टिकली सो एक सौ बीस किलोमीटर की रेंज भी ये लोग दे देते हैं आई थिंक दे हैव अ प्रोडक्ट विच लुक्स फैंटास्टिक फ्यू अदर इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि कील है शॉर्ट sort ऑफ of आपका स्कूटर होगा तो इग्निशन ऑन या ऑफ करना है बेसिकली ये फंक्शनल नहीं है तो आई कॉन्ट टच इट बट हा आपकी की आपके पास में है या फ़ोन से आपने एक्सेस किया हुआ है क्योंकि कनेक्टिविटी फीचर्स वगैरह आएंगे और ई सिम वगैरह इसमें आएगी तो आप सीधा इसको प्रेस करोगे ऑन हो जाएगा ये लेटअप हो जाएगी सेवन इंच की स्क्रीन है विद ठीक ठाक बड़े बेजल्स बट द काइंड ऑफ क्वालिटी ये लोग कैसे ऑफ़र करेंगे वो जब आएगा तब हमें पता पड़ेगा उसके अलावा क्या है ये जो आपके टोटल दोगे ये भी आपके प्रॉपर फीडबैक हैप्टिक फीडबैक के साथ में आएगा सो लेट्स सी कि कैसा क्या होता है और यहाँ पे अगर आप जनरल रेगुलर बटन से स्टार्ट कैसे करना है ये स्विच बटन है बंद करने के लिए इस साइड अगर आप देखोगे तो एक जॉयस्टिक स्टाइल आपको एक चीज दी है जो कि कई और स्कूटर्स में, में देखा है प्रॉब्बली uh, सिर्फ इसको टॉगल करने के लिए कि स्क्रीन में कुछ भी टॉगल करना हो उसके लिए ठीक है बट उसके अलावा अगर आप फंशनल बटन की बात करोगे जैसे कि हजार लैम्प वाला जो बटन है ठीक है आप इसको दबाओगे तो हेजार लैंप हो जाएगा आपका हॉर्न क्या है इंडिकेटर वाला बटन दिया है ये सब डेडिकेटेड बटन है ये ट्रैक्शन कंट्रोल मोड के लिए है तो आपको बता कि ट्रैक्शन कंट्रोल हिसाब में मिलेगा अगैन टॉप एंड वेरियंट में इज वॉट एम होपिंग आएगा फिर अगर आप ये सेक्शन की बात करोगे जहाँ अपना पांव रखोगे इट्स नॉट टू वाइड और वैसे भी आपको सिलेंडर किसी भी स्कूटर में लेके जाना नहीं होता है कुछ कुछ स्कूटर कंपनी उसको प्रमोट कर देती है बट आपको नहीं करना है बट आपका पांव अच्छे से आ सकता है इट्स काइंड ऑफ अ मैक्सी सॉर्ट ऑफ अ स्कूटर बट विद गुड इनफ स्पेस जहाँ पे अपना पाँव इजीली रेस्ट कर सकते हो जैसे कि ये पर्टिकुलर एरिया भी जो बनाया गया है वो यहाँ पे आप इजीली आई थिंक पाँव का रख को रखना हो तो आप रख सकते हो बाकी बैटरी पैक जो है ऑफकोर्स वो फ्लोर बोर्ड में बिछाया गया है अभी इसमें है या नहीं है मुझे नहीं पता है और ये पर्टिकुलर ये भी इंटीग्रेटेड ही रखा है तो ये काफी

के आसपास रेंज रियलिस्टिक लोग अचीव कर लेते हैं आई थिंक उसके बाद भी एक ऐसा स्कूटर होगा जो आप ठीक ठाक डिस्टेंस भी उससे कवर कर सकते हो। इट फॉर इज समबडी जो एक्टिव आ रहा है आई डोंट थिंक सो इट्स प्रॉब्ली फॉर समबडी जो पहली बार स्कूटर खरीदने की कोशिश कर रहा है बट वो

Rally style या फिर एंडल में दोनों के दोनों एलईडीज है, को दिया गया है. So में भी अगर बात तो सस्पेंशन ट्रैवल अच्छा खास है इट्स क्लोज टू वन एटी मिनिमलिस्ट लुक देने की कोशिश की है उसके बाद भी क्रीडेंशियल की अगर आप बात करोगे नंबर की जब आप बात करोगे तो लगभग साढ़े चौदह बी एच पी की पावर आपके लिए है और पाँच सौ पाँच एन एम का टॉर्क एट द व्हील ये लोग बोल रहे हैं एग्जैक्ट क्या है मोटर का पावर हमें नहीं पता है यूजबल पावर क्या है वो हमें नहीं पता है बट आई एम होपिंग कि अगर पाँच सौ पाँच एन एम टॉर्क अगर आप बोल रहे हो एट द व्हील सो मोस्ट लाइकली पचास से साठ एन एम इज़ वट आई एम होपिंग कि आपकी मोटर uh, से जो एग्जैक्ट टॉर्क आपकी निकलेगी वो उतनी होगी सर्टेन पर्पज के लिए मोटरसाइकिल है कि जिन लोगों को एडवेंचर जिनको करना है या शॉर्ट अगर आप करने तो आप करने हैं तो कर सकते हो एंड द प्राइस वेल आई थिंक डन अ गुड जॉब इसमें जो बैटरी लगाई गई है दैट इज अबाउट फोर किलो वॉट आर की बैटरी है बट मोटे मोटे तौर पर इट लुक्स इंटरेस्टिंग आई थिंक दिस इज समथिंग अगर आप ऑलरेडी हेलेक्स वेलेक्स के ओनर हो टोयोटा हेलेक्स के और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर जगह जा रहे हो जहां पर आप थोड़ा एडवेंचर कर सकते हो

ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म जो स्केलेबल है इंस्टेंट तो आपको मिलेगा जो कि कंपनी का भी कहना है कि हम वही तो टारगेट करेंगे जो टू स्ट्रोक फंड था लो एंड टक वाला वो हम इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं या उसके जैसे फंड देने की कोशिश कर रहे हैं so, इट इज़ प्रोडक्शन रेडी बिकॉज इट इज़ नॉट प्रोडक्शन रेडी बट वॉन्स इट इज़ प्रोडक्शन रेडी आई थिंक चलाने में मजा तो आने वाला है बट जब तो चलाएंगे तो उसके बारे में और बात करेंगे राइट right, uh, तो शॉकवेयर के बारे में भी थोड़ी बहुत ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको दे दिए क्योंकि ब्रीफ इंफॉमेशन ही मेरे पास में है. Uh, अगर कुछ मिस किया हो जैसे कि आई थिंक मैंने सेक्शन नहीं बताया होगा नाइनटीन नाइनटी सेक्शन नाइनटीन uh, इंच ए टायर है uh, रेयर वाला सेवनटी इंच टायर है बट डोल पो बस ऑफ टायर आपके लिए दिया गया है क्या स्पोक व्हील के साथ में ही uh, फाइनली आएगा और ट्यूबलेस आएगा नहीं आएगा ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है बट आई थिंक एट दैट प्राइस 1.75 पॉइंट सेवन फाइव लैक इज वॉट दे होपिंग इफ दे अचीव इट अगर ये ट्यूबलेस ना भी होता है तो भी कुछ सर्टेन सेक्शन को डेफिनेटली अट्रैक्ट कर सकता है इसकी भी अगर आप क्योंकि ये स्टाइल ऑफ मोटरसाइकिल्स जो है वो नंबर्स में बहुत ज़्यादा बिकती नहीं है बट ऑलरेडी आई थिंक विद इन अ फ्यू डेज दे गॉड इन अफ बुकिंग जितनी इनको रिक्वायरमेंट थी बट टेसर इज समथिंग जो कि मुझे लगता है कि एक मास स्कूटर भी है और वो बुकिंग नंबर्स में भी क्लियरली नजर आ रहा है कि विद इन अ मंथ आई थिंक स्लाइडली ओवर मंथ सत्तर हज़ार के आसपास बुकिंग्स उन्होंने की है uh, अब किन किन मार्केट्स में ऑलरेडी है, ये हैं आई थिंक अभी सिर्फ पंद्रह इनके डीलरशिप्स हैं बट जब तक ये दोनों प्रोडक्ट्स uh, भारत में आएंगे तब तक ये लोग उम्मीद करेंगे सेवेंटी डीलरशिप इनकी फंक्शनल होगी वैसे बहुत ज़्यादा टाइम एक्चुअली है नहीं इट्स लेस देन एन ईयर जब इनको ये करना है मतलब मार्च 2026 तक आई होप दे डू दैट क्योंकि मेरी जो एक जनरल मतलब इनके स्टाइलिंग एकदम ऑन होती है इनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है सारी चीज़ें अच्छी होती है बट फाइनली वो प्रोडक्ट भी आ गए हैं जो कि मास को टारगेट कर सकते हैं और अब नंबर्स भी क्लीयरली नज़र आ रहे हैं कि भैया वो नंबर्स भी आ सकते हैं बट दे हैव टू स्टिक टू द टाइम लाइन्स इट कम्स टू ओपनिंग द रीरशिप्स द सर्विस नेटवर्क क्योंकि वो जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यू नो डूइंग द बिजनेस है वो हमेशा रेलिवेंट यहाँ पर रहता है क्योंकि जब तक आपको डीलरशिप दिखेगा नहीं तब तक, तक आप खरीदोगे नहीं जयपुर में जब भी हमें बैठे हैं तो जयपुर विल बी वन ऑफ़ द फर्स्ट सिटीज़ जो राजस्थान में आने वाले हैं तो जयपुर होगा जोधपुर होगा वो जयपुर होगा बाकी जो मेजर सिटीज़ हैं उनमें ये ऑलरेडी जो मेजर मेट्रोपोलिटन सिटीज़ उसमें ऑलरेडी ये लोग हैं दे स्टार्ट विध बंगलोर डेली में है बॉम्बे में हैं सूरत में आई थिंक और एक, एक, एक दो जगह और है तो कुल मिला के पंद्रह डीलरशिप्स हैं फाइनली सत्तर डीलरशिप्स हो जाएंगी बट आई होप दू द प्रॉमिस् फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग जो प्राइस बताई है उस प्राइस पे क्या कुछ मिलेगा वो एक देखने वाली बात होगी और इतना कुछ जो ताम झाम है जितनी सारी जो चीज़ें हैं आपके रेडास वेडास उसके साथ में कैन दे गो एग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट दो लाख के अंडर आप इसको ला सकते हो नहीं ला सकते हो दैट विल अ क्वेश्चन जो इन लोगों को आंसर करना है थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो